हाय, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं क्रांति प्रकाश झा, यानी कि आपका अपना केपीजे, फिर से लेकर आया हूं एक नई कहानी। ये कहानी थोड़ी अलग है, थोड़ी हटकर है, क्योंकि ये कहानी एक मिस्ट्री है और इस मिस्ट्री को हम सब मिलकर सुनेंगे और सॉल्व करेंगे, जिसका नाम है वो रात। तो आइए सुनते हैं कहानी वो रात। ऐसा अक्सर कहा जाता है, रात गई बात गई, लेकिन कई बार रात में कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो भुलाई नहीं भूलती। आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करेंगे जहां एक रात में जाने कितने सच सामने आ गए और कितनी गलत फहमियों ने अपनी जगह बना ली। पर इस रात में आखिर हुआ क्या, आइए मैं बताता हूं आपको। चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में शाम 7 बजे का समय है। देव ने अपनी पत्नी शेफाली को आवाज देते हुए कहा, जल्दी करो शेफाली, अरे राजीव जी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ हाँ आती हूं देव, तुम भी ना थोड़ी देर में ही शोर मचाने लगते हो। मेरा तो पहले ही जाने का बिल्कुल मन नहीं था इस पार्टी में। देव एक बड़ा बिजनेसमैन है और वो अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। उसके साथ उसकी पत्नी और उसकी बेटी पायल रहती है। आप इतना समझ लीजिए कि देव की जान बसती है पायल में। शेफाली तैयार होकर देव के सामने आई। शेफाली को देखकर देव ने कहा, अरे वाह, आज तो तुम गजब ढा रही हो, लगता है कि पूरी पार्टी में सब तुम्हें ही देखेंगे आज। शेफाली ने उसे घूरते हुए कहा, अब तुम लेट नहीं हो रहे? देव ने मुस्कुराते हुए कहा, वैसे पायल भी चलती तो अच्छा होता। तुम जानो और तुम्हारी लाडली बेटी जाने, पूछ लो एक बार उससे भी। इससे पहले कि देव पायल को आवाज लगाता, वहां पायल तैयार होकर आ पहुंचे। 19 साल की पायल बेहद खूबसूरत है। पापा मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी पर जा रही हूं, नहीं तो मैं जरूर आती आपके साथ। इतना कहकर पायल भी इनके साथ ही घर से बाहर निकलने लगी। तभी देव की नजर साइड के कमरे के दरवाजे खुलने पर गई और उसने देखा कि सामने पीयूष खड़ा है। पीयूष देव के दूर का रिश्तेदार है और उसके यहां एक कंपनी में जॉब लगी है, इसीलिए इनके घर पर रह रहा है। अरे पीयूष, आज तुम जल्दी आ गए ऑफिस से। पीयूष ने देव को देखकर उसके करीब आते हुए कहा, जी भैया मैं आज जल्दी फ्री हो गया था। देव ने आगे कहा, अच्छा अच्छा, देखो हम सब जरा बाहर जा रहे हैं, तुम घर का ध्यान रखना और आराम करना। इतना कहकर ये तीनों घर से बाहर निकल गए। रात के 4 बजे पायल जैसे ही घर लौटी तो घर के अंदर आते ही जो उसने अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। वो भागते हुए अपने घर से बाहर आई और जल्दी से अपने पापा को फोन किया और रोते रोते कहा, पापा आप जल्दी घर आ जाओ। कुछ ही देर बाद जैसे ही देव घर लौटा तो अंदर जाकर जैसे किसी सदमे में आ गया। अब सुबह 6 बजे पुलिस की बहुत सी गाड़ियां और 2 एम्बुलेंस देव के घर के बाहर खड़ी है। आस पड़ोस के लोग घर से बाहर निकलकर देव के घर को ही घूर घूर कर देख रहे हैं। तभी किसी एक आदमी ने बाकी सबको बताया, देव की पत्नी शेफाली का और उनके दूर के रिश्तेदार पीयूष का खून हो गया है, दोनों की लाशें मिली हैं। यह सुनकर सब हक्का बक्का रह गए। पुलिस की तरफ से इंस्पेक्टर रोहित घर के अंदर दाखिल हुए और पूरे घर का मुआयना करने लगे। एक किनारे पर पायल अपने पापा देव के गले लगकर रोए जा रही है और देव की आंखें भी बहती जा रही हैं। वो दोनों इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं कि उनका परिवार इस तरह से बिखर चुका है। इंस्पेक्टर ने दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और देव से पूछताछ शुरू की, आपको कब पता चला कि इनका खून हुआ है? देव ने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, सर मुझे मेरी बेटी पायल का फोन आया था। इंस्पेक्टर ने हैरान होकर पूछा, तो मतलब आप रात में घर पर नहीं थे? फिर देव ने बताया, सर कल मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त राजीव लालवानी के घर पार्टी थी, दो शहर के बहुत बड़े वकील भी हैं। मैं और शेफाली वहां गए थे और आधी रात को उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी,
तो वो गाड़ी लेकर घर वापस आ गई। मेरी बेटी पायल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने बाहर क्लब गई हुई थी। वो जैसे ही 4 बजे घर पहुंची तो उसने आकर ये देखा और मुझे फोन करके बुलाया। मैं जल्दी से यहां आया, आकर देखा तो यह सब था। इतना कहकर देव रोने लगा। फिर इंस्पेक्टर रोहित ने पायल की ओर देखा और पूछा, आप कहां गई थी पार्टी करने के लिए? पायल ने उसे बताया कि वो लव फॉरएवर क्लब में गई हुई थी और जैसे वो अपने घर आई तो उसने दोनों की खून से लथपथ लाशें देखी और तुरंत पापा को फोन किया। इंस्पेक्टर रोहित ने उनकी बात सुनकर आसपास तफ्तीश करनी शुरू की तो उनको वहां पर एक बंदूक मिली जिसे फॉरेंसिक में भेज दिया गया। कुछ देर के बाद उनकी मेड लीला वहां आ पहुंची। उसे देखते ही पायल दौड़कर उसके पास गई और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। यह बात रोहित को थोड़ी अटपटी सी लगी और उसने वहां मौजूद इंस्पेक्टर हीराराम से लीला के बारे में पता करने को कहा। कुछ ही घंटों में फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई और हैरत करने वाली बात यह थी कि उस बंदूक पर शेफाली के हाथ के निशान थे। यह सुनकर देव हक्का बक्का रह गया। इंस्पेक्टर रोहित से देव ने कहा, इसका मतलब शेफाली ने सुसाइड किया है? रोहित ने बात बीच में ही काटते हुए कहा, सिर्फ सुसाइड नहीं देव जी, बल्कि आपके रिश्तेदार पीयूष का भी खून किया है। क्या बकवास कर रहे हैं आप, मेरी शेफाली ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकती। रोहित ने शक भरी नजरों से देव से पूछा, क्या आपकी पत्नी शेफाली का पीयूष के साथ कुछ, I'm just asking। देव ने गुस्से से घूरकर उसे देखा। What rubbish, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे शेफाली मुझसे प्यार करती थी और पीयूष भी बहुत नेक बच्चा था, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। न जाने कहां से आप लोगों के दिमाग में गंदगी भरी रहती है। इंस्पेक्टर रोहित ने देव से कहा, प्लीज काम डाउन। अच्छा एक बात बताएं, आपका और आपकी पत्नी का रिश्ता कैसा था? देव ने थोड़ा जोर से कहा। मैंने आपसे कहा ना वो मुझसे प्यार करती थी, तो रिश्ता हमारा अच्छा ही होगा ना। इंस्पेक्टर रोहित को देव की यह झल्लाहट थोड़ी अजीब सी लगी। रोहित ने हल्का सा मुस्कुराते हुए पूछा, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं देव जी? अगर शेफाली जी की जिंदगी में सब ठीक था तो उन्होंने सुसाइड क्यों किया? देव ने सीधे सीधे कहा, यही तो आपको पता करना है ना, मैं आपको यह सब कैसे बता सकता हूं? और आप एक ही सवाल मुझसे कितनी बार पूछते रहेंगे? इतनी देर में वहां राजीव भी काला कोट पहने आ गए और उनको देखते ही देव के सब्र का बांध टूट गया और वो उसको गले लगाकर रोने लगा। राजीव ने देव को थोड़ा शांत किया, फिर इंस्पेक्टर रोहित से कहा, देखिए मेरी अभी डीएसपी साहब से बात हुई है, उन्होंने बताया कि शेफाली भाभी ने शायद सुसाइड किया है, सच क्या है आप जल्द से जल्द पता लगाएं। रोहित ने उसे एक पल घूर कर देखा, फिर हां में सिर हिलाया। फिर राजीव देव को वहां से ले जाते हुए बोला, देव से कुछ भी पूछताछ करनी हो तो मुझे साथ में जरूर बुलाइएगा, बिकॉज आई एम हिज लॉयर। उन दोनों के जाने के बाद कांस्टेबल हीरालाल ने रोहित से कहा, सर क्या लगता है? अपनी सिगरेट जलाते हुए रोहित ने कहा, हीरालाल जी जो जितना सीधा दिख रहा है ना वो उतना नहीं है। तभी हीरालाल को किसी का फोन आया और उसने बात करते ही रोहित सर से कहा, सर लीला के बारे में पता चल गया है। क्या पता चला बताओ। सर लीला पिछले 15 सालों से देव के यहां काम करती है और पायल उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन वो अपनी मां को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। यह सुनते ही रोहित हैरान रह गया, लेकिन क्यों? क्योंकि सर शेफाली हमेशा घर से बाहर रहती थी, वो अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी में बिजी रहती थी, और आपको पता है शुरू से ही लीला ने पायल को पाला है। इंटरेस्टिंग, रोहित के मुंह से निकला। अरे नहीं सर, इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि शेफाली का कैरेक्टर थोड़ा ढीला ही था, अय्याश किस्म की औरत थी वो, जितना मुझे पता चला है। रोहित ने कुछ सोचा और अपनी गाड़ी निकाली, फिर सीधा देव के घर गया और पायल से कुछ सवाल पूछने लगा। पायल, आपका अपनी मम्मी के साथ कैसा रिश्ता था? पायल ने घबराकर अपने पापा की तरफ देखा तो उसके पापा देव ने बीच में कुछ बोलने की कोशिश की, लेकिन तभी रोहित ने उसे रोकते हुए कहा, देव साहब मुझे पायल से बात करनी है।
हाँ बोलो पायल। पायल ने कहा, जैसा सारी मां और बेटी का होता है, तो आपको अपनी मम्मी की डेथ का तो बहुत बुरा लगा होगा ना, रोहित ने पूछा। तभी पीछे से एक रौबदार आवाज आई। ये कैसा सवाल है इंस्पेक्टर रोहित, आप देख नहीं रहे पायल कितनी डिस्टर्ब्ड है? रोहित ने पलट कर देखा तो सामने देव का लॉयर राजीव खड़ा है। राजीव ने कहा, आप अपनी पूछताछ जरूर कीजिए लेकिन अभी नहीं, पहले पायल को थोड़ा संभलने दीजिए। ओके। इंस्पेक्टर रोहित ने यह कहा और वहां से निकलकर सीधा उस जगह पर गया जहां देव और शेफाली पार्टी करने गए थे। वहां का सीसीटीवी फुटेज देखते हुए रोहित ने देखा कि देव ने किसी वेटर को थप्पड़ मारा था। उस वेटर को बुलाकर रोहित ने पूछा, बता तुम्हें क्यों मारा था देव ने? वेटर ने बताया, साहब मैं ड्रिंक सर्व कर रहा था, जब मैं देव सर और शेफाली मैडम के पास पहुंचा तो वो दोनों शायद किसी बात पर बहस कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तुमने कुछ सुना? जी साहब, मैम कह रही थी कि मैं तुम्हें डिवोर्स देना चाहती हूं, तभी मैं वहां ड्रिंक लेकर पहुंचा और गलती से ट्रे में रखे ड्रिंक मैडम पर गिर गई और गुस्से में सर ने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसके बाद मैडम वहां से चली गई। इंस्पेक्टर रोहित ने जब गौर से दोबारा फुटेज देखी तो उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि देव और शेफाली में कोई बहस चल रही है, उनके एक्सप्रेशन साफ साफ बता रहे हैं। इंस्पेक्टर रोहित मुस्कुराया और फिर कांस्टेबल हीरालाल के साथ पायल के दोस्तों से मिलने पहुंचा। हीरालाल ने रास्ते में कहा, सर उस देव ने तो कहा था कि शेफाली की तबीयत खराब हुई इसलिए वो जल्दी चली गई थी। रोहित ने उसे घूरते हुए कहा, कांस्टेबल हीरालाल जी, जरा दिमाग का जो है ना इस्तेमाल किया करें। तो क्या वो देव अपने मुंह से कहेगा कि हम लड़े और फिर मैंने उसे गोली मार दी? उसके बाद पायल के दोस्तों से बात करने पर रोहित को पता चला कि पार्टी में पायल थी लेकिन वो 10 बजे वहां से चली गई थी। फिर रोहित कुछ सोचने लगा कि अगर पायल 10 बजे फ्री हो गई थी तो वो सुबह के 4 बजे तक कहां पर थी? तभी रोहित के पास पुलिस स्टेशन में एक औरत मिलने आई। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब मैं आपसे शेफाली के बारे में कुछ बात करना चाहती हूं। रोहित ने हैरान होकर कहा, आपकी तारीफ? उसने बताया, मेरा नाम जूही है और मैं शेफाली की बचपन की दोस्त हूं, मुझे लगता है शेफाली का खून हुआ है। वो खुद को नहीं मार सकती, रोहित ने कहा, लेकिन आप ये इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? जूही ने बताया, एक्चुअली देव जैसा दिखता है वैसा नहीं है, वो शुरू से ही शेफाली पर बहुत शक करता था और आए दिन उसके साथ मारपीट किया करता था। वो हमेशा बिजनेस के मीटिंग के चलते बाहर रहता था और शेफाली को टाइम नहीं दिया करता। शेफाली एक छोटे परिवार से थी इसलिए अब ऐशो आराम की आदत लगने के बाद उसे छोड़ भी नहीं पा रही थी और मुझे लगता है इसी वजह से उसने कभी पायल को भी वो प्यार नहीं दिया, उसने खुद को नशे में झोंक दिया था। और जब से पीयूष उनके घर रहने लगा तब से वो बहुत खुश रहने लगी थी। अरे उसने मुझे 2 दिन पहले ही मैसेज किया था कि वो देव को तलाक देकर पीयूष के साथ शादी कर लेगी, फिर आप ही बताइए वो कैसे खुद को और अपने प्यार को मार सकती है? रोहित को अब काफी कुछ समझ आने लगा था। कुछ ही देर में वो देव के घर गया। देव जी, हमारे हाथ एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन लगी है, देव ने थोड़ा चौंकते हुए कहा। कैसी इंफॉर्मेशन इंस्पेक्टर? रोहित ने मुस्कुराते हुए कहा, शेफाली जी का खून हुआ है, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। ये सुनते ही देव के चेहरे के रंग उड़ गए। व्हाट? रोहित ने आगे कहा, यस आपने बिल्कुल सही सुना, और हमें यह भी पता चला है कि उनका अफेयर आपके, आई एम सॉरी टू से, पर दूर के रिश्तेदार पीयूष के साथ चल रहा था। यह सुनते ही देव और पायल हक्का बक्का रह गए। बस अब यह पता करना है कि किसी ने उनको मार क्यों दिया। खैर आप चिंता मत कीजिए, यह भी पता चल जाएगा। इतना कहकर रोहित वहां से जाने लगा। जैसे दरवाजे तक पहुंचा तो उसने मुड़कर कहा, पर देव जी आपने एक झूठ बोला हमसे,
ये सुनते ही देव के माथे पर बल पड़ गए, उसके होश फाख्ता हो गए। कैसी बात कर रहे हैं आप? कौन सा झूठ? रोहित ने वापस उसके करीब जाते हुए कहा, मिस्टर देव, आपका झगड़ा हुआ था शेफाली जी के साथ पार्टी के दौरान, और आपने गुस्से में वेटर पर हाथ भी उठाया, लेकिन आपने कहा था कि शेफाली की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो घर चली गई थी। अब आपको मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, बिकॉज आई हैव एन अरेस्ट वारंट, और मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपने इन दोनों का खून किया है। अब रोहित की आवाज में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, रोहित ने देव का कॉलर पकड़ते हुए कहा। मैंने सीसीटीवी देखा है और वेटर ने साफ साफ बताया कि वो आपसे तलाक चाहती थी, फिर वो घर आई और आपने शायद उसको पीयूष के साथ देखा और गुस्से में दोनों को गोली मार दी। ये सुनते ही हार मानते हुए देव ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोहित के साथ जाने लगा। अभी वो लोग दरवाजे तक पहुंचे भी नहीं थे कि तभी पायल की आवाज सुनाई दी। रुक जाइए, प्लीज स्टॉप, मैं सच बताती हूं, मेरे पापा ने उनको नहीं मारा। ये सुनते ही रोहित और देव के चेहरे के रंग उड़ गए। देव ने उसे रोका, नहीं पायल, तुम कुछ मत कहो, प्लीज डोंट। लेकिन रोहित सीधा उसके पास गया। क्या कहा तुमने? तब तक पायल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कहा, वो मां नहीं, मां के नाम पर कलंक थी, उन्होंने बचपन से कभी मुझे प्यार नहीं दिया था, और जब प्यार मेरी जिंदगी में दस्तक दे रहा था तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। रोहित हैरान नजरों से पायल को देखता जा रहा है। मैं और पीयूष एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, जिस रात पापा और मम्मी पार्टी पर गए थे तब मैं भी अपनी पार्टी पर गई थी, लेकिन मैं 2 घंटे में ही वापस लौट आई थी, क्योंकि मुझे पता था मॉम और पापा पूरी रात नहीं आएंगे, और मैं और पीयूष कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते थे, तो हम दोनों उसके कमरे में थे, एक दूसरे की बाहों में लिपटे हुए थे। हम दोनों बहुत खुश थे और एक दूसरे में इतने खोए हुए थे कि गाड़ी की आवाज सुनाई नहीं थी। मॉम सीधा पीयूष के कमरे में दाखिल हुई, क्योंकि मुझे लगता है शायद पापा के हमेशा एब्सेंट रहने की वजह से वो पीयूष को चाहने लगी थी। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुई तो उन्होंने हम दोनों को एक दूसरे की बाहों में देखा और उनसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ, वो जैसे गुस्से के मारे पागल हो गए, वो सीधे अपने बेडरूम में गई और वहां से गन ले आई, उन्होंने मुझे गोली मारने की कोशिश की, फिर मैंने अपने आप को बचाने के लिए एक टेबल के पास पड़े वास को उठाकर उनके हाथ पर दे मारा और गन नीचे जमीन पर गिर गई। कहते हैं ना कि प्यार में लोग अंधे हो जाते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं देख नहीं पाई कि पीयूष हम दोनों को डबल क्रॉस कर रहा था, क्योंकि इसके बाद पीयूष जल्दी से मेरी मां की तरफ बढ़ा और कहा, मुझे माफ कर दो शेफाली, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, इस पायल ने मुझे जानबूझकर फंसाने की कोशिश की है, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। ये कहते कहते पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। मेरी मां, जिसे अपनी बेटी पर नहीं उस गैर आदमी पर विश्वास था, और उन्होंने उससे कहा कि चलो हम अभी इसी वक्त ही घर छोड़कर चले जाएंगे। मैं अपनी मां और पीयूष की हरकत बर्दाश्त नहीं कर सकी और मैंने वही गन उठाकर दोनों को गोली मार दी। फिर पापा ने घर आकर मेरी उंगलियों के निशान वहां से मिटाकर मां के हाथ में वो गन पकड़ा दी, जिससे ये केस मर्डर का लगे, सुसाइड का नहीं। ये बताते ही पायल फूट फूट कर रोने लगी। पापा ने ये सब सिर्फ मेरे लिए किया, आप प्लीज मेरे पापा को छोड़ दीजिए। देव ने आगे बढ़कर पायल को गले से लगा लिया। ये सुनकर रोहित भी हक्का बक्का रह गया। सारा सच सामने आ गया था। इस कहानी को इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।
कैसी लगी आपको ये मर्डर मिस्ट्री मुझे बताना मत भूलिएगा। मैं क्रांति प्रकाश झा यानी कि आपका अपना केपीजे फिर से लेकर आऊंगा एक नई कहानी। और जाते जाते सिर्फ इतना कहूंगा, प्यार से रहें, प्यार में रहें, प्यार करते रहें, प्यार बांटते रहें, क्योंकि इस दुनिया में शायद प्यार की बहुत कमी है। आप सब अपना ध्यान रखें, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।